ये है पर्ल से बना हुआ ब्यूटीफुल बैग जो कि मैं आज की वीडियो में बनाने जा रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैं लूँगी एक ये ग्रेप बीट, फिर वाइट बीट, फिर ये डिज़ाइन बीट और फिर वाइट बीट को, प्लेन बीट को लेंगे और वायर को इसमें से क्रॉस करूँगी। इस तरह से अब इस साइड पे मैं पहले ये वाला बीट और वाइट प्लेन बीट डालूंगी, दूसरी तरफ ये बीट लूंगी और सेकेंड वायर को इसमें से क्रॉस करूंगी। तो देखिए इस तरह से ये रो को बनाती चली जाऊंगी मैं। तो ये देखिए ये रो इस तरह से फर्स्ट रो बनती जा रही है। तो ये फर्स्ट रो बन के रेडी हो गई है। अब लास्ट में इसमें ये इस तरह से दो बीट और एक बीट डालूंगी मैं और वायर को यहां पे लेंगे। अब देखिए इस साइड पे ये व्हाइट पर्ल और ये वाला रेड बीट को डालूंगी मैं और इस साइड एक बीट डालूंगी और इसमें से क्रॉस करेंगे। यूं इस तरह से और फिर वायर को यूं ले आएंगे। अब यहां पे मैं एक साइड वाइट ये वाला पर डालूंगी, एक साइड ये भी डालूंगी और वायर को इसमें से क्रॉस करूंगी। तो इस तरह से हम ये रो बनाते चले जाएंगे, आगे इसको बीट बैग को बनाते जाएंगे। तो इस तरह से ये इन रोज को हम कंप्लीट करते जाएंगे और इसको बैग को डिजाइन जितनी हमें लेंथ वेट चाहिए उस हिसाब से इसको बनाते चले जाएंगे। तो ऐसे ये डिजाइन आगे बनता चला जाएगा। तो अब देखिए मैंने ये इस टाइप से इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसको मैं वायर को इस साइड पे ले आऊंगी।
और इसको यहाँ पे बनाना हम शुरू करेंगे। इस टाइप से इसको मैं वायर को क्रॉस करूंगी यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे ये 4 टाइम्स बनाना है मैंने। अब इसको वायर को यहाँ पे क्रॉस करूँगी मैं। और इस टाइप से ये पूरी साइड को बना लेंगे। तो ऐसे इसको मैं आगे बनाती चले जाऊंगी। तो ये देखिए बैक की एक साइड मैंने ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसी तरह से भी इस साइड को भी मैं जोड़ दूंगी। इसको यहां से लेके यहां तक ऐसे ही जोड़ देंगे। अब ये बैक की दोनों साइड्स मैंने कंप्लीट कर ली है। इसमें काफी स्पेस है। अब मैं इस बैग का ये हैंडल बनाऊंगी। तो इसके लिए यहाँ पे यूं वायर को लेंगे, एक पल इस साइड, एक पल इस साइड, और फिर ये दूसरा बीट डालेंगे। और इसको मैं यूं क्रॉस करूंगी। इसको आगे ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये बैग का हैंडल रेडी हो जाएगा।